तो हमारा जो चैप्टर है वो जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग, जिसे हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी इट्स एप्लीकेशंस, जिसमें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, और बहुत ही अच्छा चैप्टर है। तो इंट्रोडक्शन में आपको कुछ बेसिक चीज़ें की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर को पढ़ते समय। और बेसिक चीज़ें क्या है कि इसका प्रयोग कैसे होता है, जो बायोटेक्नोलॉजी है उसका प्रयोग कैसे होता है। तो आपको ध्यान रखना है इसमें जो डीएनए आपका रिकॉम्बिनेंट होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए जिसे हम कहते हैं पुनर्योगज, पुनर्योगज डीएनए, इसकी सहायता से क्या करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी जो जैव प्रौद्योगिकी पूरी है हमारा, एक प्रकार की यह विधि है, जो जैव प्रौद्योगिक है वो एक प्रकार से विधि का काम करेगी। तो डीएनए रिकॉम्बिनेंट, या आप कहोगे डीएनए पुनर्योगज, ये विधि का प्रयोग करके हम चीजों का उपयोग करेंगे। और वो उपयोग क्या है आपको ध्यान रखना है, उसका उपयोग हम पहले करते हैं चिकित्सा में, चिकित्सा मेडिकल के फील्ड में, तो चिकित्सीय शास्त्र में उसका उपयोग करेंगे। कुछ आप निदान, निदान सूचक के रूप में भी प्रयोग करेंगे। निदान सूचक क्या होता है, जैसे हमने कुछ उपकरण बनाते हैं, उपकरण बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा आप कृषि, तो कृषि जो कार्य होते हैं, कृषि के जैसे फसलों के लिए सूक्ष्म जीव में जो कृषि से रिलेटिव अनुवांशिकी, अनुवांशिक मतलब जेनेटिक करेक्टर होते हैं उनको निकालकर अनुवांशिक रूपांतरण, रूपांतरित फसलें। तो हम जैसे हमने देखा था बीटी कॉटन, इसका एग्जाम्पल बीटी कॉटन हमने पढ़ा था, कृषि में जो हमने कहा था उसको निकालकर अनुवांशिक जीन को कुछ फसल तैयार कर ली जाएंगी। ऐसी आपके जैव सुधार में, मतलब अच्छे जीन के सुधार में भी हम इसका प्रयोग करेंगे। तो जैव सुधार में आपको ध्यान रखना है, ऐसी हम कहें संसाधित जो आपके खाद्य पदार्थ होते हैं उनको भी क्या करना है, उनके प्रयोग में भी हम खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक बचाने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है अपशिष्ट जो खराब पदार्थ होते हैं, अपशिष्ट पदार्थों के प्रतिपादन और एवं ऊर्जा, जो ऊर्जा होती है उसके उत्पादन में, इन सबके उत्पादन में हम किसका प्रयोग करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है डीएनए रिकॉम्बिनेंट जो पुनर्योगज जैव प्रौद्योगिकी, ये हमारी क्या है, विधि है। इस विधि से आपको ध्यान रखना है, इस विधि का प्रयोग करके हम चिकित्सा में भी उपयोग करेंगे, आपके निदान सूचक के रूप में भी, कृषि में भी, जैव सुधार में भी, और संसाधित खाद्य पदार्थों के में भी, अपशिष्ट प्रतिपादन एवं ऊर्जा के उत्पादन में भी। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं जैसे कि आपका एक फ्लेवर सेवर टोमाटो, ये एक टमाटर है आपका, इस टमाटर को हमने नाम दिया है फ्लेवर सेवर टोमाटो। तो इसको क्यों कहते हैं, सबसे पहले आपने देखा होगा ये हमारा टमाटर है। अब हमने कहा इसमें क्या है, ये कोशिकाएं हैं आपकी, ये कोशिका भित्ति होती है, और जो कोशिका भित्ति है, जो आपकी कोशिका भित्ति है इसकी टमाटर की, वो दृढ़ता होती है। दृढ़ता ही के कारण ही ये आपको कैसी नजर आएगी, मतलब टाइट नजर आएगी। और दृढ़ता किसके कारण होती है, तो यह आपको ध्यान रखना है, यह दृढ़ता होती है पैक्टिन के कारण। ये जो पैक्टिन है ये इन कोशिकाओं में मौजूद होता है, और ये आपको दृढ़ता देता है, जिससे कोशिकाएं हैं आपकी टाइट होती हैं। इसीलिए शुरू में आप जो बाजार से टमाटर लेकर आते हो वो आपको टमाटर कैसा मिलेगा,
जो टमाटर है वो टाइट मिलेगा। लेकिन इसी कोशिकाओं में आपको एक एंजाइम होता है, और ये एंजाइम कौन सा है तो आपको ध्यान रखना है, पॉली ग्लेक्टो यूरेज। पॉली ग्लेक्टो यूरेज ये एंजाइम इन कोशिकाओं में बनता है, और इसका काम क्या होता है, ये पॉली ग्लेक्टिंग यूरेज एंजाइम ये पैक्टिन को वर्क करता है, मतलब पैक्टिन को नष्ट करने का काम करता है। ये पैक्टिन को नष्ट करेगा, और जैसे ही ये कोशिकाओं को नष्ट कर देगा, जो इससे जो इसका दृढ़तापन है वो खत्म हो जाएगी, दृढ़तापन खत्म हो जाएगी तो ये सॉफ्ट हो जाएगा, मुलायम हो जाएगा। और ये किसके द्वारा संभव होगा, तो हमने कहा इस जीन को अगर हम निकाल देंगे, बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा इस एंजाइम को निकाल देंगे, हमने ये जीन है और इसको काट कर बाहर निकाल दिया। काटने के बाद क्या है, पॉली ग्लेक्टोज यूरेज एंजाइम है वो निकल गया। अब क्या होगा, जो पैक्टिन है, पैक्टिन को नष्ट करने वाला एंजाइम तो यहाँ से निकल गया, किसके द्वारा, बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके। तो जब इस एंजाइम को निकाल दिया जाएगा तो हमारी जो कोशिकाएं हैं वो दृढ़ता है बनी रहेगी, पैक्टिन मौजूद रहेगा, जिससे टमाटर को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं, और ऐसे टमाटर हमारे कहलाते हैं क्या, फ्लेवर सेवर टोमाटो बोला जाता है। तो ये था इसका, इस प्रकार से उपयोग करते हैं। थोड़ी बेसिक जानकारी जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये हमारा जो आपका डीएनए है, डीएनए रिकॉम्बिनेंट, तो डीएनए रिकॉम्बिनेंट में जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से, जो आपका बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से, बायोटेक्नोलॉजी इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, जो आपका पूरे विश्व की बात करें, इसकी सहायता से अभी तक जो आपके वर्तमान समय की बात करें, प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में आपको, तो वर्तमान समय में 30 चिकित्सकीय, मतलब मेडिकल के क्षेत्र में अभी तक जो चिकित्सकीय औषधियां हैं वो 30 खोज हो चुकी है, और वही 30 औषधि अभी अप्रूवल है आपके लिए, मान्य है। पूरे विश्व की बात कर रहे हैं, पूरे विश्व में आप कहोगे जो डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के द्वारा अभी तक वर्तमान समय की बात करें तो विश्व में 30 चिकित्सीय औषधियों की स्वीकृति मिल चुकी है, जो मानव के कल्याण के लिए उपयोगी हैं, जो मानव कल्याण के लिए उपयोगी हैं। लेकिन इनकी बात करें, इसमें से भी अगर बात करें, 30 तो हैं लेकिन ये विश्व स्तर पर हैं, लेकिन इनमें से 12 औषधि, जिसमें से आप कहोगे कि जो हमारी 12 औषधियां हैं, 12 औषधि भारत में उपयोग में लाई जाती हैं। तो ये क्वेश्चन नीड में पूछा गया है कि कितनी औषधियां अभी तक वर्तमान समय में है, तो आपको ध्यान रखना है 30 औषधियां चिकित्सीय मेडिसिन में, और भारत में कितनी, तो आपको ध्यान रखना है 12 औषधि भारत में उपयोग में लाई जाती हैं। अगर इनकी बात करें, ये आपको क्वेश्चन दो मिलेंगे नीड में, ज़्यादातर पूछे गए हैं, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आता है। जैसे हमने कहा भारत में जो 12 औषधियां हैं उनमें से उदाहरण के तौर पर आप देखना चाहो तो एग्जाम्पल, तो हमने कहा पहला है आपका इंसुलिन, इंसुलिन हार्मोन, तो इंसुलिन भारत में बहुत तेजी के साथ प्रयोग किया जाता है। इसके बाद दूसरा है आपका लिंग हार्मोन, लिंग हार्मोन भी आपका उपयोग में लाया जाता है। ऐसी आपका रिलैक्सिन हार्मोन है, तो रिलैक्सिन हार्मोन इसका भी उपयोग हम किसमें, भारत में करते हैं। तो ऐसी टोटल मिलाकर 12 औषधियां ऐसी हैं जिनका हम उपयोग भारत में करते हैं, इसलिए ईटीसी, आदि औषधियां ऐसी हैं जिनका उपयोग हम भारत के लिए करते हैं, लेकिन इनमें से 30 विश्व स्तर पर हैं और 12 जो भारत के उपयोग में लाई जाती हैं। अब हम इसकी बात करें, ये आपकी बेसिक जानकारी थी, इसमें से हम बात करें जैसे मानव निर्मित हार्मोन, मानव निर्मित इंसुलिन,
या आपको पहला क्वेश्चन तो यहां से बनेगा, या इसी को बदल कर दे देंगे वो डीएनए पुनर्योगज तकनीक। डीएनए पुनर्योजक तकनीक, या इसी को दूसरा नाम और भी दे देंगे वो मानव इंसुलिन, या आपको इसी में और नाम दे सकते हैं जैसे मानव के उपयोग में इंसुलिन जो है उपयोग कैसे लाया जाता है, या डीएनए टेक्निक की सहायता से इंसुलिन का कैसे मानव कल्याण करता है, ये अलग अलग। लेकिन आपको वर्ड ध्यान रखना है इंसुलिन, ठीक है, और डीएनए, दो वर्ड पकड़ना इस क्वेश्चन में, एक तो डीएनए और दूसरा इंसुलिन। ये कहीं पर भी आपको नाम मिल जाए लिखा हुआ तो इसका मतलब वो इसकी बात कर रहा है, क्वेश्चन में इंसुलिन की बात कर रहा है। तो इंसुलिन में हम देखेंगे, इसी में क्वेश्चन यही है आपका मेन, और बहुत अच्छा टॉपिक है ये, पूरे चैप्टर का यही टॉपिक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और अभी ने कम से कम आपको 6-7 बार पूछा गया है इसके बारे में, तो आपको इसी पर ध्यान देना है। तो सबसे पहले इंसुलिन की बात करते हैं पॉइंट वाइज। पहला पॉइंट, ये तो हमारी बेसिक जानकारी थी, इससे ज्यादातर लोग बताते नहीं है, लेकिन आपको होना चाहिए क्योंकि नीड में यहां से क्वेश्चन बनता है। ये दो पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो विश्व में 30 खोज हो चुकी हैं, जो मान है मानव के कल्याण के लिए, और भारत में 12 मान है, तो यहां से क्वेश्चन नीट के लिए बनता है। अब हमारा क्वेश्चन डायरेक्ट यहां से बनता है जो आपके पेपर में आता है। तो हम देखेंगे पहला पॉइंट इंसुलिन के बारे में, सबसे पहला आपको ध्यान रखना है इंसुलिन। अब इंसुलिन में आपको ध्यान रखना है, ध्यान करो, इंसुलिन, इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है और बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन है। आपको पहला पॉइंट ध्यान रखना है, इंसुलिन एक महत्वपूर्ण हार्मोन है। पहला पॉइंट आपको यह ध्यान रखना है कि जो इंसुलिन है वो हार्मोन है, ठीक है। अब पहले इसकी चर्चा करें, बेसिक की बात करें, तो आपने क्या, मैंने खाना खाया, आपने खाना खाया, सब खाना खाते हैं, तो खाना खाते हैं जब, तो हमने कहा मैंने खाना खाया, ठीक है, शॉर्ट में लिखते हैं मैंने खाना खाया या आपने खाना खाया, मतलब खाने में आपने क्या खाया, रोटी खाई, चावल खाए, खाते हैं नहीं, तो हम रोटी खाते हैं चावल खाते हैं, मैंने खाना खाया, रोटी खाई, चावल खाए, ठीक है। इस चावल या रोटी में क्या होता है, स्टार्च, स्टार्च होता है मंड, इसका मतलब मेरे अंदर क्या पहुंचा, स्टार्च पहुंचा, मंड पहुंचा। अब मंड का अंदर जाके क्या होगा, मेरी बॉडी के अंदर जाकर ये क्या होगा, टूटेगा, तोड़ते हैं इसको, इसका टुकड़े होंगे, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होगा, और डिवाइड होने के बाद ये क्या बनाएगा, तो आपको ध्यान रखना है ये क्या बनाता है, ग्लूकोज, ग्लूकोज बनाएगा, ग्लूकोज बन गया। अब ग्लूकोज जब बन जाता है तो ग्लूकोज का क्या होगा, मेरी बॉडी के अंदर पाचन होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, मैंने कहा ग्लूकोज का क्या कर दिया, पाचन, डाइजेशन होगा। अब जब डाइजेशन होगा, डाइजेशन होने के बाद ये कहां मिलेगा, ब्लड में आपके मिलेगा, तो हमने कहा इसको कहां मिला दिया, ब्लड में, रक्त में मिल गया ये जाकर, ठीक है, रक्त में मिल गया, रक्त नलिकाओं में। उसके बाद ये कहां जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है रक्त से ये कोशिकाओं में जाएगा, तभी तो हम चलेंगे, तो ये कहां जाएगा, आप कहोगे कोशिकाओं में जाएगा, मतलब मैंने खाना खाया, रोटी या चावल जो भी खाई, उसमें स्टार्च था, स्टार्च अंदर जाकर टूटा, किसमें, ग्लूकोज बना, ग्लूकोज आगे गया, उसका पाचन हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वो कहाँ मिल गया, ब्लड के अंदर मिल गया। अब आपने देखा होगा यहाँ पर ये आपके पास हैं ब्लड नली, रक्त नलिकाएं, ठीक है,
और हमने कहा ये आपकी क्या है, कोशिकाएं, ये आपका ब्लड है और ब्लड में क्या मिला हुआ है आपका ग्लूकोज। इतनी बात क्लियर है, ये रक्त नलिकाएं हैं आपकी, नली हैं, पैप है, ठीक है ब्लड वाले, और ये क्या है आपकी कोशिका है। बहुत सारी आपकी बॉडी में कोशिकाएं हैं। अब हमने कहा इस ग्लूकोज को रक्त से, रक्त में मिला हुआ है, रक्त से कहां जाएगा कोशिकाओं में जाएगा। हमने कहा ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज कहां जाएगा कोशिकाओं में जाएगा, और कोशिकाओं में जाकर जो ग्लूकोज हो जिसका क्या होता है C6H12O6, ये ग्लूकोज है, ये कोशिकाओं में जाएगा और कोशिकाओं में जाकर फिर क्या होगा इसका अपघटन होगा, मतलब फिर से ये क्या करेगा टूटेगा, तभी तो कोशिका को ऊर्जा मिलेगी। और जैसे ही टूटेगा तो हम क्या करते हैं श्वसन, ये प्रक्रिया आपको कहलाती है, आपने पढ़ा होगा श्वसन कहलाती है, सांस लेते हैं और तभी क्या करते हैं हम जीवित रहते हैं भाई, तभी तो आप जीवित रहोगे भाई। ग्लूकोज टूटेगा, कोशिकाओं को ऊर्जा मिलेगी और आप क्या करोगे अच्छे से कोशिकाएं वर्क करेंगी तो आप क्या करोगे जीवित रहोगे, सांस लोगे मतलब। अब लेकिन यहां पर बात हो रही है इंसुलिन की, बोले इंसुलिन तो आया ही नहीं कहीं पर नाम सर। अब हमने कहा खाना खाया, रोटी चावल खाया, स्टार्च हो गया, पाचन हो गया, रक्त में कोशिकाएं, तो यहां पर आप देख रहे हो जब ब्लड में ग्लूकोज आ जाता है, ग्लूकोज क्या है एक प्रकार की शर्करा है, शुगर है, ठीक है। यहां से ध्यान रखना जो आपकी रक्त नलिकाएं, रक्त नलिकाओं से कोशिकाओं में स्थानांतरित करने में जो सहायता करता है, यहां पर ग्लूकोज है और ग्लूकोज को कहां कोशिकाओं में ले जाने का काम किसका होता है इंसुलिन हेल्प करता है। कौन करेगा, इंसुलिन सहायता करता है कोशिकाओं तक ले जाने का। अब आप सोचकर बताना जरा, हमने कहा ये ब्लड जो आपका रक्त वाहिनी है, ये इसमें रक्त और ग्लूकोज दोनों चीज बह रही हैं, तो आप मुझे बताओ यहां से जो रक्त आपकी है, ये हमने कह दिया रक्त वाहिनी या डक्ट, ठीक है, इसमें ग्लूकोज है। अब आप बताओ, मैंने कहा इसमें रक्त में जब इंसुलिन की मात्रा को क्या कर रहा है, ये इंसुलिन की मात्रा को क्या कर रहा है बताओ, रक्त में इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है बताओ। यहां पर क्वेश्चन, हमने कहा रक्त है, ये रक्त वाहिनी, इसमें क्या है ये ग्लूकोज, हमने कह दिया ये लो ग्लूकोज है, ठीक है, और ये ग्लूकोज को ले जा रहा था इंसुलिन कोशिकाओं में, तो हमने कहा इस बताओ ये इंसुलिन क्या कर रहा है, ग्लूकोज का क्या काम कर रहा है बताओ, कम कर रहा है ब्लड रक्त में या ज्यादा कर रहा है या मेंटेन कर रहा है बनाए रख रहा है, कम कर रहा है भाई। यहां पर ग्लूकोज आएगा, ग्लूकोज कहां पहुंचा देगा कोशिकाओं में पहुंचा देगा, कोशिकाओं में ले जा रहा है, तो हमने कहा इंसुलिन ग्लूकोज को क्या है रक्त वाहिनियों से निकालकर, रक्त डक्ट से निकालकर कोशिकाओं में पहुंचा रहा है, तो यहां पर क्या हो गई आपको ग्लूकोज की क्या हो जा रही है कमी भाई, ग्लूकोज कम कर रहा है आप कह सकते हो, कम ग्लूकोज कम हो रहा है। अब हमने कहा ग्लूकोज जब कम हो रहा है तो इसी को आपको रक्त में कहते हैं ब्लड शुगर लेवल, जो ब्लड शुगर लेवल आपका निगमन करता है, ब्लड शुगर लेवल आपका मेंटेन बना रहेगा, यहां पर ग्लूकोज आएगा और ग्लूकोज को इंसुलिन कहां पहुंचा देगा कोशिकाओं में पहुंचा देगा, आपका ब्लड शुगर लेवल है वो एकदम से ठीक रहेगा। मान लो हमने कहा ये इंसुलिन नहीं है, दूसरा पॉइंट, तो पहले पॉइंट में हमने देखा था कि इंसुलिन के बारे में, ठीक है, कि इंसुलिन हमने क्या करा, खाना खाया, खाना खाने के बाद रोटी चावल जो भी खाए हमने आपने, उससे क्या बना ग्लूकोज बना, स्टार्च गया अंदर, अंदर जाकर टूटा और ग्लूकोज बना, ग्लूकोज कहाँ गया ब्लड में गया और ब्लड से कोशिकाओं में, तो ब्लड से कोशिकाओं में पहुंचाने का काम किसका होता है इंसुलिन हेल्प करता है, सहायता करता है, ठीक है। अब हमने कहा जो ब्लड में है अगर इंसुलिन है तो क्या कर रहा है ग्लूकोज की मात्रा को निगमन कर रहा है, मतलब ब्लड शुगर लेवल आपका मेंटेन कर रहा है, कम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमने कहा ये इंसुलिन जो आपका हार्मोन है, इंसुलिन
ये हार्मोन ना हो, जो आपके पास इंसुलिन हार्मोन है ये ना हो, मतलब ये हमारे बॉडी के अंदर ना बने, ठीक है, तो क्या होगा? तो हमने कहा, हमने खाना खाया था, और खाना क्या? स्टार्च टूटा, और टूटने के बाद क्या बना दिया? ग्लूकोज बन गया। अब हमने कहा ये क्या है, आपके ब्लड में जाकर मिल गया, रक्त नलिकाएं हैं आपकी, रक्त में जाकर मिल गया, ब्लड में जाकर। अब हमने कहा ग्लूकोज ब्लड में जाकर मिल गया, अब हमारे पास क्या है, यहां पर कोशिकाएं हैं, ये बॉडी से लगी हुई, क्योंकि कोशिकाओं का भी आकार कोई निश्चित नहीं होता है, हेक्सागोनल भी हो सकती हैं, गोल भी हो सकती हैं। तो हमने कहा आप बताओ, हमने कहा इंसुलिन को हमने निकाल दिया, खत्म कर दिया, तो आप बताओ इस रक्त में जो ग्लूकोज है क्या मात्रा बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी, क्योंकि हमने कहा अब क्या है, इंसुलिन का काम क्या था, यहां से ग्लूकोज को यहां पहुंचाना। अब इंसुलिन ही नहीं है तो क्या होगा भाई, ये काम खत्म हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, ग्लूकोज बढ़ता जाएगा, ग्लूकोज क्या होगा ब्लड के अंदर बढ़ता जाएगा, और जब ज्यादा मात्रा में बढ़ता जाएगा तो क्या हो जाएगी, आपको बीमारी हो जाएगी, और बीमारी को आप बहुत अच्छे से जानते हो, जिसे हम क्या कहते हैं, डायबिटीज, जिसे हम कहते हैं मधुमेह हो जाएगा आपको, डायबिटीज हो जाएगी। क्यों हो गई? क्योंकि जो ग्लूकोज है एक प्रकार की क्या होती है, शर्करा होती है, शर्करा है। तो हमने कहा ये ग्लूकोज है आपकी एक प्रकार की शर्करा। अब आप बताओ ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। जब ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज ब्लड में आ जाएगा, रक्त में हो जाएगा, अब बताना जरा क्वेश्चन, इसकी मात्रा ग्लूकोज शर्करा की मात्रा जब ब्लड के अंदर बढ़ जाएगी, जैसे आपने देखा होगा पानी और चीनी, हमने चीनी की मात्रा बढ़ा दी पानी के अंदर, तो क्या होगा, पानी कैसा हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। तो इसके अंदर भी शर्करा जब ज्यादा मात्रा में आ जाएगी तो ब्लड कैसा हो जाएगा, गाढ़ा। अब जब ब्लड आपका कैसा हो गया, गाढ़ा हो गया, आपका ब्लड है वो गाढ़ा हो गया, रक्त जो आपका हो गया गाढ़ा, ठीक है। अब हमने कहा जब रक्त गाढ़ा हो जाएगा तो क्या होगा, तेजी के साथ बहेगा या धीरे धीरे बहेगा, धीरे धीरे, मतलब ये रक्त है आपका जो बहने की प्रक्रिया है वो कैसी हो जाएगी, धीरे धीरे बहना स्टार्ट कर देगा, मतलब तेजी से नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इसमें शर्करा है, वो ग्लूकोज है, ज्यादा अमाउंट में इकट्ठा हो जाएगा और मधुमेह रोग हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगी, और रक्त आपका कैसा हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, और गाढ़ा हो जाएगा तो धीरे धीरे चलेगा। जैसे हमने कहा पानी में चीनी ज्यादा मात्रा में घोल देंगे और उसको डालेंगे तो क्या, धीरे धीरे बहेगी, उसी प्रकार से ये रक्त गाढ़ा हो जाएगा तो धीरे धीरे चलेगा। अब धीरे धीरे चलेगा तो पहली बात तो आपको ध्यान रखना है, ये ग्लूकोज कोशिकाओं तक गया क्या, कोशिकाओं तक नहीं पहुंचा भाई, हमने कहा ग्लूकोज है आपका ये, क्योंकि इंसुलिन को तो हमने हटा दिया, इंसुलिन को क्या करा, हटा दिया, इंसुलिन ही क्या कर रहा था, पहुंचाने का काम कर रहा था। अब हमने कहा पहली बात तो ये ग्लूकोज कोशिका तक नहीं पहुंचेगा, साथ ही साथ जब कोशिकाओं में ग्लूकोज नहीं पहुंचेगा तो हमें श्वसन की प्रक्रिया नहीं होगी, हम जीवित नहीं रहेंगे, तो हमारे अंदर क्या हो जाएगी, दूसरा पॉइंट, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, कोशिकाओं को क्या नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ऐसे व्यक्ति आपने देखा होगा बहुत मोटे ताजी होते हैं, आप बोले अरे देखने में तो बहुत मोटा लग रहा है ये भाई, शरीर से तो बहुत अच्छा लग रहा है ये भाई साहब हैं, और ये शरीर से बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो ये क्या है आपका, बहुत तगड़े हैं, जा रहे हैं हाथ पैरों से, लेकिन इन्हें क्या है, ऐसी कंडीशन में जिनके ब्लड में रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती जाएगी और मधुमेह डायबिटीज हो जाएगी, डायबिटीज से क्या होगा, रक्त इनका गाढ़ा हो जाएगा, रक्त धीरे धीरे चलेगा,
अब ये जो ग्लूकोज है, पहली बात तो कोशिकाओं तक पहुंच नहीं पाया, इनकी कोशिका में देखने में बहुत तगड़े लग रहे हैं, लेकिन है इन्हें क्या, मधुमेह रोग है और इनका रक्त है वो धीरे धीरे बहेगा, कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाएगा ग्लूकोज और ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो ऐसे व्यक्ति क्या होगा, देखने में बहुत तगड़े लगेंगे लेकिन क्या होगा, बहुत ज्यादा उनको डायबिटीज होगी और डायबिटीज के चक्कर में ऐसे व्यक्ति को लुढ़क पड़क हो जाते हैं, बहुत जल्दी वो चक्कर आकर गिर जाते हैं। तो उसी को हमने क्या, डायबिटीज मधुमेह रोग कहते हैं। क्या थोड़ी दूर चलेंगे या आपने बहुत बोले शरीर से बहुत अच्छे हैं लेकिन क्या हुआ, वो गिर जाते हैं, बहुत जल्दी चक्कर आकर गिर जाते हैं, जैसे ये भाई साहब है मधुमेह रोग लिए घूम रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया कि क्या होता है इंसुलिन। ठीक है, तो इसका एक प्रकार से कार्य आपको पता चल गया कि इंसुलिन क्या कर रहा है, ग्लूकोज का स्थानांतरण कर रहा है। भाई ग्लूकोज को कहां पहुंचा रहा है, कोशिकाओं में। तो कार्य पता चल गया कि इंसुलिन का कार्य ये है, ग्लूकोज को रक्त से निकालकर और कोशिकाओं में पहुंचाना। क्लियर हो गई बात। तीसरा पॉइंट, अब इसकी बात करें इंसुलिन की, तो आपकी खोज की बात करें इंसुलिन कि ये इंसुलिन है वो कहां से कैसे। तो सबसे पहले आपने देखा होगा एक स्ट्रक्चर डाइजेस्टिव सिस्टम में, ये भाग आप देख रहे हो, ये वाला भाग और ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है ये, और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी आपने ड्यूडेनम भाग देखा, तीन भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जेजनम, इलियम, तो तीन भागों से मिलकर बनी होती है छोटी आंत, जिसे हम हिंदी में कहते हैं गृहिणी। गृहिणी वाले भाग पर ही यहीं पर आपको ये आपका स्टोमक हो गया, अमाशय हो गया, पेट हो गया, और उसके नीचे ही आपको एक इस प्रकार पत्ते की आकृति की संरचना मिलती है, जिसे हम कहते हैं अग्नाशय पेनक्रियाज। अग्नाशय बोलते हैं पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज आपकी एक प्रकार की क्या होती है, मिश्रित ग्लैंड होती है। कैसी होती है, मिश्रित ग्रंथि, मतलब मिक्स्ड ग्लैंड होती है। मिक्स्ड ग्लैंड क्यों कहा जाए इसको, क्योंकि इसके अंदर आपको दो प्रकार की ग्रंथि मिलेंगी, एक अंतःस्रावी ग्रंथि, अंत ग्रंथि बोलते हैं जिसे, अंतःस्रावी ग्रंथि एंडोक्राइन, दूसरी आपको मिलेगी एक्सोक्राइन बाह्य, बाह्य स्रावी। ये दो प्रकार की आपको ग्रंथि मिलेंगी। अब इनको समझ लेते हैं, तभी तो इसको मिश्रित कहा गया है पेनक्रियास को, एक तो एंडोक्राइन मिलेंगी, दूसरी एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब एंडोक्राइन ग्लैंड का काम क्या होता है, ये ग्लैंड हमेशा हार्मोन का सिक्रीशन करेगी, क्या निकालेगी, तो आपको ध्यान रखना है स्रावित करेगी। क्या स्रावित करती है, तो आपको ध्यान रखना है ये सिर्फ हार्मोन ही स्रावित करेगी, मतलब हार्मोन का ही सिक्रीशन करेगी। और आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या करती है, तो आपको ध्यान रखना है ये आपके एंजाइम, एंजाइम का सिक्रीशन करेगी। फिर दूसरा पॉइंट आपको ये भी ध्यान रखना है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है इसकी अपनी कोई डक्ट नहीं होती है, बहती है लेकिन, हार्मोन बहते हैं लेकिन इसकी कोई अपनी डक्ट नहीं होती, खुद की नली नहीं होती है। मान लो ये पैप है, हमने कहा ये पैप है, अब ये पैप इसके पास नहीं होता एंडोक्राइन ग्लैंड के पास, तो ये क्या करती है, तो हार्मोन तो रिलीज होगा, तो ये रक्त वाले नली होती है, ये हमारी है रक्त नली, रक्त नलिका। ठीक है, रक्त नलिका के ही साथ बहते हैं हार्मोन। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड आपको ध्यान रखना है हार्मोन सिक्रीट करती है, स्रावित करती है, और इसकी अपनी कोई डक्ट नहीं होती, मतलब इसके पास अपनी नली नहीं होती, तो ये बहता कैसे है हार्मोन, तो आपको ध्यान रखना है रक्त नलिका के द्वारा बहते हैं, इसके रक्त में आ जाएंगे ये हार्मोन और रक्त के द्वारा बहेंगे, इसकी नलिका के द्वारा बहेंगे, और ये आपको ध्यान रखना है इसकी अपनी खुद की डक्ट होती है, नली होती है, एंजाइम की अपनी, ये एंजाइम स्रावित करेंगे, ये इसके पास खुद की होती है।
खुद की नलिका होती है। ये अपनी नलिकाओं में ही एंजाइम का सिक्रीशन करेंगे। इसके पास मतलब एक प्रकार से आप ऐसे मान लो जैसे हमारी वेन है, नसें, तो इसके पास बंद ब्लड बहता है, तो इसके पास ऐसी क्या है, वेन है, नस है, एक प्रकार का पाइप है, और ये एंजाइम सिक्रीट करेगी तो अपने पाइप में ही सिक्रीट करेगी। लेकिन इसके पास नहीं है, ये क्या करेगी, आपको रक्त नलिका का सहारा लेगी, उसके द्वारा एंजाइम को सिक्रीट करेगी। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है, मिश्रित ग्लैंड, क्योंकि इसमें दोनों ग्रंथि आ गई आपकी बाहें, तभी हमने कहा पेनक्रियाज को क्या कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। अब देखते हैं ये पेनक्रियाज आपको दिखाई दे रही है इसमें, तो इसमें हमने यहां पर इतना जो भाग आप देख रहे हो ये पूरा, ये आपका होता है वहाय स्रावी ग्रंथि, एक्सोक्राइन ग्लैंड, और कितना अगर आपसे पूछे तो 99% जो है एक्सोक्राइन वाला पेनक्रियाज में भाग होता है। अब ये 99% जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है आपका, इसमें कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं और उनको कहते हैं एक्नी कोशिका, एक्नी कोशिका कहते हैं। सिंगल को एक्नर बोलते हैं, जब बहुत सारी कोशिका मिल जाती हैं तो उसको नाम दिया गया है एक्नी कोशिका। और ये क्या करती हैं, तो आपको ध्यान रखना है, यही स्रावित करती हैं अग्नाशय रस, पेनक्रिया जूस, जिसमें क्या होते हैं एंजाइम आपके क्या होंगे, एंजाइम, क्योंकि ये क्या है बाह्यस्रावी ग्रंथि, और बाह्यस्रावी ग्रंथि क्या करती है एंजाइम का सिक्रीशन करती है। अब आप देख रहे हो बीच में एक भाग, पेनक्रियाज के बीच में आपको एक भाग दिखाई दे रहा है ये, तो ये आपका 1% 1% होता है, और ये होती है आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड, 1% भाग। अब ये भी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं, जिसे एक नाम दिया गया है स्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस। अब ये भी करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बनी है, इतने से बीच में 1% में ये भी कई प्रकार की आप कहोगे करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बनी है। इसके अंदर भी आपको करोड़ों कोशिकाएं मिलेंगी, बहुत सारी कोशिकाएं, जिसमें से हम पढ़ते हैं ज्यादातर 3 प्रकार की कोशिकाएं इसके अंदर, पहला अल्फा कोशिका या सेल, अल्फा सेल, दूसरा बीटा कोशिका, और तीसरा आपको ध्यान रखना है गामा कोशिका या डेल्टा कोशिका। तो 3 प्रकार की कोशिकाएं आपको यहां पर ध्यान देना। अब हमने कहा इनसे हार्मोन निकलते हैं, तो हमने कहा अल्फा से कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है, तो आपको ध्यान रखना है ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन हार्मोन अल्फा कोशिका से रिलीज होता है, और बीटा कोशिका से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, तो आपको ध्यान रखना है इंसुलिन, इंसुलिन हार्मोन आपका बीटा कोशिका से निकलता है, और गामा और डेल्टा कोशिका से आपको ध्यान रखना है सोमैटिन, सोमैटोस्टेबिलिन हार्मोन, ये आपको। तो हमारा हार्मोन कौन सा था, इंसुलिन हार्मोन। तो अब देखो कहां से निकल रहा है, आप कहोगे मिश्रित ग्रंथि, पेनक्रियाज क्या है मिश्रित ग्रंथि, उसके बीच में क्या आ रहा है एंडोक्राइन ग्लैंड मिलती है पोजीशन, एंडोक्राइन की ग्लैंड में भी आपको स्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस है, लैंगरहैंस में भी आपकी कोशिकाएं हैं, लैंगरहैंस में कौन सी कोशिका, बीटा कोशिका, और बीटा कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है। क्लियर हो गया कि हमारा जो इंसुलिन है वो कहां से निकलता है या कहां बना, तो आपका पेनक्रियाज में, पेनक्रियाज में भी 2 प्रकार की ग्लैंड है, एक को एक्सो और दूसरी को एंडो, तो एंडो वाली
हमने कहा एंडो वाली की बीटा कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है। पॉइंट क्लियर हो गया। अब चौथा पॉइंट की बात कर लेते हैं इसी में कि चौथा पॉइंट, अब इसका नाम और खोज के बारे में देख लेते हैं इंसुलिन के। तो नाम और खोज की बात करें इंसुलिन की, तो आपको ध्यान रखना है सार्पी एंड सफर, ये दो वैज्ञानिक हैं। बात करी इन्होंने क्या करा 1916 में, 1916 में ये दोनों वैज्ञानिक चलते हैं और डायबिटीज लोगों को देखते हैं। बोले इधर आओ डायबिटीज वाले, ले बुलाया। और डायबिटीज वाले कहां पर देखे, उन्होंने उनकी कोशिकाओं में, ये क्या है पेनक्रियाज संरचना, उन्होंने उनकी पेनक्रियाज को देखा, अग्नाशय को देखा और उन्होंने पता लगाया। जैसे हमने कहा उदाहरण के तौर पर, आपने देखा होगा समुद्र, समुद्र में कहीं कहीं पर टापू बन जाते हैं बीच में, तो हम उसको क्या कहते हैं आइसलैंड द्वीप कहते हैं। तो ऐसी इन्होंने देखा कि जो पेनक्रियाज है डायबिटीज लोग, कौन से लोग हैं ये आपको ध्यान रखना है, जो लोग हैं वो उन्हें क्या है मधुमेह रोग है, मधुमेह रोग है। उनकी कोशिकाओं में जो पेनक्रियाज थी उसमें देखा, और उसमें देखा जो बीच में क्या था हमने कहा था एंडोक्राइन ग्लैंड, जिससे बीटा कोशिका और इंसुलिन स्रावित हो रहा। तो इन्होंने बताया यहां पर कोई रसायन है, क्या है रसायन, और वो रसायन ऐसे का वर्क कर रहा है, मतलब ये जो आपका है एक प्रकार का समुद्र है, हमने कहा ये जो आप देख रहे हो ये, उन्होंने बताया कि ये है समुद्र। तो उन्होंने क्या कह दिया, ये आपका क्या है एक समुद्र है, समुद्र है, और इस समुद्र के अंदर बीच में, बीच में बताया इन्होंने कौन से लोगों में, डायबिटीज वाले लोगों में, बोले बीच में एक रसायन है, ये रसायन, बोले ये रसायन क्या है स्रावित नहीं हो रहा। डायबिटीज लोगों में उन्होंने देखा, उन्होंने इस प्रकार से बताया जैसे उन्होंने कहा उनके पेनक्रियास को देखा, अग्नाशय को देखा, और देखने के बाद बताया उन्होंने बीच में ये जो रसायन है इसको कहा बीच में द्वीप, आइसलैंड द्वीप को बोलते हैं द्वीप। तो बोले उन्होंने कहा कि ये एक समुद्र की तरह, बाहरी का भाग कैसा एक समुद्र की तरह कार्य कर रहा है, एक समुद्र है, और इस समुद्र के बीच में क्या है एक द्वीप है, द्वीप, तो हमने कह दिया बीच में एक द्वीप है आइसलैंड है। तो उन्होंने कहा उस द्वीप से रसायन नहीं निकल रहा, तो हमने कहा रसायन नहीं निकल रहा इस द्वीप से, क्या नहीं निकल रहा रसायन नहीं निकल रहा। अब हमने कहा ये रसायन नहीं निकलेगा तो क्या हो जाएगी डायबिटीज है, उन्हीं लोगों को उन्होंने कहा डायबिटीज है। अब आपको ध्यान रखना है जब हम आइसलैंड द्वीप बोलते हैं जो समुद्र में होता है, तो ये जो द्वीप बर्ड है आइसलैंड, ये आपका बना है इंसुला से मिलकर, इंसुला बोला जाता है द्वीप को लैटिन भाषा में, ये जो बर्ड आया है आपका आइसलैंड ये लैटिन भाषा से आया है, लैटिन भाषा से, और लैटिन भाषा में इसे बोला जाता है इंसुला, और इंसुला के नाम पर ही इन्होंने नाम दे दिया, इसका नाम पड़ गया इस रसायन का नाम इंसुलिन, बोले ये इंसुलिन है जो नहीं निकल रहा है कहां से पेनक्रियाज के, कौन से द्वीप से, बोले द्वीप से रसायन नहीं निकल रहा है, और पेनक्रियाज को बताया एक समुद्र है, समुद्र के बीच में एक द्वीप है, द्वीप से रसायन नहीं निकल रहा है, और कौन सा रसायन नहीं निकल रहा, बोले इंसुलिन नहीं निकल रहा, इसीलिए इसका नाम पड़ गया इंसुलिन हार्मोन। कैसे पढ़ा, तो आपको द्वीप को कहते हैं आइसलैंड, और आइसलैंड लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है, जिसे पढ़ते हैं इंसुला, और इंसुला से ही मिला है आपका क्या इंसुलिन। तो इस प्रकार से तो ये इंसुलिन का पता चल गया कि इंसुलिन
नाम पड़ा, लेकिन अभी खोज नहीं हुई इसकी। तो पांचवा पॉइंट है हमारा, जिसमें हम देखेंगे खोज के बारे में। दो वैज्ञानिक हमने पढ़ लिए थे, उन्होंने नाम का पता लगाया इंसुलिन, कि इंसुलिन नाम कैसे पड़ा, इंसुला से मिलकर बना था इंसुलिन। अब इसमें जो वैज्ञानिक आपके आ रहे हैं, फ्रेडरिक एंड सेंगर, इन वैज्ञानिकों ने खोज की। देखो श्रेय किसे, खोज का श्रेय उसी को जाता है जो सबसे पहले कि जो आपका इंसुलिन हार्मोन है, वो इंसुलिन हार्मोन कहां से उत्पन्न होता है, कहां से उत्पन्न होता है, कि उत्पन्न कहां से हुआ है, वो उसकी संरचना, संरचना क्या है इसके बारे में बताएगा, और उसके कार्य, कार्य क्या है। तो इसमें कार्य भी पता चल गए हमको कि कार्य क्या है, आपको पता है ग्लूकोज का स्थानांतरण करता है, क्योंकि ग्लूकोज को कोशिकाओं में रक्त से निकालकर कोशिकाओं में पहुंचाता है, तो ये भी हमने देख लिया। इसके बाद इन्होंने ये भी बता दिया कि इंसुलिन कहां से निकलता है, ये सब बताया किसने, फ्रेडरिक और सेंगर ने। ये बताया कि कहां से, इन्होंने बताया पेनक्रियाज, पेनक्रियाज में कहां से, तो पेनक्रियाज में बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन स्रावित होता है। फिर इन्होंने संरचना भी बताई, तो इसकी संरचना के बारे में बात करें, तो उन्होंने जो संरचना बताई है उसको देखते हैं कि जो संरचना कैसे करके बताई है। तो आपको ध्यान रखना है इंसुलिन की संरचना, इंसुलिन की संरचना स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे कि कैसा होता है ये इंसुलिन की संरचना। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है ये इंसुलिन जो बीटा हमने देखा था पेनक्रियाज में बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन निकला था, तो बीटा कोशिकाओं से जब इंसुलिन निकलता है तो ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, मतलब निष्क्रिय होता है, निष्क्रिय पड़ा रहता है, इसका मतलब है ये कोई काम नहीं करता, कोई काम नहीं करता है। आपके पेनक्रियाज में है लेकिन एक बीटा सेल से निकल रहा है, लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में निकलता है, और जब कोई काम नहीं करता है तो इसको एक नाम दिया गया है, तब इसको कहते हैं प्राक इंसुलिन। क्या कहेंगे, प्राक इंसुलिन बोलेंगे इसको, या प्रो इंसुलिन, इसी को बोलते हैं प्रो इंसुलिन। क्या कह दिया, प्रो इंसुलिन, मतलब इंसुलिन आपकी बीटा कोशिकाओं से निकला, और हमने कहा ये बीटा कोशिकाओं में इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा, सक्रिय नहीं होगा, मतलब कोई भी काम नहीं करेगा, और उसको हमने नाम दे दिया प्राक इंसुलिन। ये प्राक इंसुलिन आपको ध्यान रखना है 84 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, 84 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, और आपको पता है जो प्रोटीन होती है उसकी इकाई क्या होती है, अमीनो अम्ल। तो बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चैन होती हैं इसमें 84। अब इस प्राक की पहले संरचना की बात कर रहे हैं जो इनएक्टिव फॉर्म में है, तो हम बात करें इनएक्टिव फॉर्म में, हमने कहा ये आप जो संरचना देख रहे हो 84 जो प्राक बोलते हैं, ये इसको हमने कह दिया एक भाग दे दिया, जिसको हमने कह दिया ए पॉली पेप्टाइड चैन। इस 84 जो 84 अमीनो एसिड हैं, उसमें से हमने जो से हमने क्या कहा प्राक प्रो इंसुलिन, उनमें से हमने डिवाइड कर दिया एक को ए पॉलीपेप्टाइड चैन। अब ये ए पॉलीपेप्टाइड चैन आपको ध्यान रखना है, ये 21 अमीनो अम्ल से मिलकर बनी होती है। ए पॉलीपेप्टाइड चैन में कितनी होंगी, 21 अमीनो एसिड होंगे। फिर हमने कहा यहीं से एक और
संरचना निकलती है। अब ये बात किसकी कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है प्राक की। तो हमने कहा ये संरचना को हमने कह दिया सी पॉली पेप्टाइड चैन। अब ये कितनी से मिलकर बनी होती है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। हमने कहा देखो ए के बाद बी आता है, बी नहीं है सी, और ये यहां पर जो आपकी यहां तक ये वाली जो संरचना है वो ए है, और ये वाली आपकी बी है जिसे ऐसे दिखा दिया है डॉट डॉट से, और ये वाली जो संरचना है आपकी बी है, ये बी पॉली पेप्टाइड चैन है। तो तीन संरचना है। अब ये पूरी मिलाकर हम बात करें तो ये कहलाता है आपका प्रो इंसुलिन, प्रो इंसुलिन की संरचना। और आपको पता है हमने कहा प्रो इंसुलिन जब होता है तो वो क्या एक्टिव फॉर्म में होता है, इनएक्टिव फॉर्म में। अगर बी पॉलीपेप्टाइड चैन की बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है कितने 30 अमीनो एसिड की श्रृंखला होगी। पॉलीपेप्टाइड बी कितने 30 अमीनो एसिड होंगे। अब हमारे जो सी है वो कितने अमीनो एसिड होंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है ये कितने होंगे 33 अमीनो एसिड। तो ये नहीं पूछा जाता है ये वाला। ये दोनों आपको ध्यान रखना है कि ए पॉलीपेप्टाइड चैन में 21 अमीनो एसिड होते हैं और बी पॉलीपेप्टाइड चैन में 30 अमीनो एसिड होते हैं। टोटल कितने होते हैं 84। देखो यहां पर 33 हैं, 3 और 1 4 हो गया, 3 3 6 और 2 8, तो 84 टोटल। अब ये क्या है प्राक प्रो इंसुलिन है जो इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा है, हमारे बीटा सेल से स्रावित हुआ लेकिन क्या है एक्टिव नहीं है। तो ये तो हमारा स्ट्रक्चर किसका था प्राक इंसुलिन का 84। एक्टिव कब होता है, एक्टिव देखते हैं ये कब होता है। तो हमने कहा इसमें से आप बीटा पॉलीपेप्टाइड चैन को निकालकर फेंक दो, और वो कैसे होगा बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से। हमने कहा इसमें से क्या निकाल दिया बीटा वो सॉरी सी पॉलीपेप्टाइड चैन को निकालकर हटा दिया। हमने कहा ये वाली जो चैन है इसको हमने हटा दिया, ये आपको देख रहे हो ये वाली चैन ए, ये ए है ए पॉलीपेप्टाइड चैन, ए पॉलीपेप्टाइड चैन, और दूसरी हमारी क्या थी ये वाली नीचे वाली, ये कौन सी चैन थी बी पॉलीपेप्टाइड चैन। क्या हटाकर हमने फेंक दिया, तो आपको ध्यान रखना है हमने हटा देते हैं सी पॉलीपेप्टाइड चैन, और जैसी सी पॉलीपेप्टाइड चैन निकालकर फेंक देते हैं और ये हो जाती है एक्टिव, और एक्टिव होने के साथ इसमें बॉन्ड जुड़ जाते हैं, बॉन्ड जुड़ना शुरू हो जाते हैं। और ये ध्यान रखना ये बॉन्ड किसके द्वारा जुड़े होते हैं डाई सल्फाइड बॉन्ड होते हैं, और जैसे ही डाई सल्फाइड बॉन्ड जुड़ जाएंगे तो ये हमारा कहलाएगा ये तैयार हो जाता है इंसुलिन, और ये होता है आपका एक्टिव फॉर्म में सक्रिय फॉर्म में बन गया। और जब ये तैयार हो जाता है हमने कहा इंसुलिन तैयार हो गया, बॉन्ड भी बन गए इनके बीच में, और जैसे ही बॉन्ड बन जाएंगे तब इसको कहा जाता है इसी इंसुलिन को जो तैयार हुआ है इंसुलिन, इसे कहा जाता है ह्यूमुलिन कहा गया इसी को, इसी इंसुलिन को जो एक्टिव फॉर्म थी। क्या इसमें कितने अगर बात करें ए पॉलीपेप्टाइड चैन की, तो आपको ध्यान रखना है 21 अमीनो एसिड, 21 अमीनो एसिड इसके अंदर मिलेंगे, और इसके अंदर आपको कितने मिलेंगे, तो आपको ध्यान रखना है 30 अमीनो एसिड। अब ये सी को हमने हटा दिया, तो आप कहोगे यहां पर क्या हटा दिया सी, सी पॉलीपेप्टाइड चैन आपको हटा देते हैं
पॉलीपेप्टाइड चैन को हमने क्या करा, हटा दिया, इसको निकाल कर फेंक दिया। और जब इसको निकाल कर फेंक देते हैं तो दो चैनें बचती हैं, ए और बी, और ए बी के दोनों को जोड़ने के लिए एक बंध का इस्तेमाल किया जिसे डाइसल्फाइड बॉन्ड कहते हैं। और जब ये बन जाता है डाइसल्फाइड बॉन्ड तो इंसुलिन एक्टिव हो जाता है, इंसुलिन तैयार हो जाता है एक्टिव, और जिसका नाम, जिसे और एक नाम दिया गया है, क्या कहते हैं, ह्यूमुलिन कहा जाता है। तो ये था आपका इंसुलिन, कि हमारा जो इंसुलिन है वो खोज कैसे की, तो संरचना के बारे में भी बता दिया कहाँ मिलता है और क्या कार्य करता है, तो ये चीज इन्होंने बता दी। इसीलिए इनको हमने कहा ये खोजकर्ता कहलाएंगे आपके पूरे। फिर उसके बाद 6 पॉइंट आपको ध्यान रखना है इसी में, इंसुलिन। अब हमने कहा ये इंसुलिन आपका एक्टिव हो गया, सही है, काम करा, तो हमने कहा थोड़ा सा देख भी लेते हैं कैसे प्रयोग करा जैव प्रौद्योगिकी का। तो हमने कहा जैव प्रौद्योगिकी का लिए अमरीकी कंपनी, आपने अमरीका का नाम सुना होगा, अमरीकी कंपनी थी और उस कंपनी कौन सी, तो आपको ध्यान रखना है ईली लिली ये कंपनी है आपकी। इन्होंने क्या करा था, जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से, अमेरिका की कंपनी है ईली लिली, और इन्होंने क्या करा, जो बहाक होता है ई कोली बैक्टीरिया, तो ई कोली बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड मिलता है, ये आपका प्लाज्मिड, इस प्लाज्मिड को निकाला, निकालने के बाद इस प्लाज्मिड को क्या कर दिया, काट दिया। काटने के बाद इन्होंने क्या करा, जो एक्टिव फॉर्म थी ये वाला, पहले इन्होंने मान लो हमने कहा यहां पर दिखाने के लिए ऐसे कर दिया है हमने, ये ए पॉलीपेप्टाइड चैन का निर्माण कर दिया। अब इसको फिर से कहां डाल दिया, ईकोली के अंदर डाल दिया, और ये क्या करेगा, ई पॉलीपेप्टाइड चैन का निर्माण करता जाएगा। क्यों कर रहा है वो भी अभी देखेंगे। तो हमने कहा ए पॉलीपेप्टाइड चैन का निर्माण कर लिया। ऐसी हमने कहा सेम प्रोसेस बी के साथ किया, क्या प्लाज्मिड को, ये क्या है आपका प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड, इसको काटा और बी जोड़ दिया, और बी फिर बी तैयार कर लिया और दोनों को जोड़ दिया। जब दोनों को जोड़ देंगे कौन सा बॉन्ड से, डाइसल्फाइड बॉन्ड, और क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। अब हमने ये प्रोसेस क्यों करा, इस कंपनी ने क्यों करा ये प्रोसेस, ये इसलिए करा क्योंकि यहां पर और भी वैज्ञानिक थे। 7वां पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ए आपके जो मानव के लिए एक्टिव ये वाली जो फॉर्म है सेम कंडीशन, इसको निर्मित कर दिया एक कंपनी जो अमेरिकन कंपनी थी ईली लिली, उसने ईकोली बैक्टीरिया के प्लाज्मिड से निकाला, प्लाज्मिड को काटा और ए जोड़ दिया, बी जोड़ दिया और डाइसल्फाइड बॉन्ड जोड़ दिया, और जिससे इंसुलिन प्राप्त हो गया, और जिसे हमने कहा ह्यूमुलिन कहा, और ह्यूमुलिन का मतलब होता है मानव कल्याण में लाभदायक, मतलब मानव के उपचार में। अब हमने कहा मानव के उपचार में, मतलब जो डायबिटीज है उनके उपचार में काम करेगा ये, तो हमने कहा ये काम करेगा कैसे, तो 7वां पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये तो हमने कहा जब बात हो गई खोज की, मतलब ये कंपनी आ गई, लेकिन इससे पहले क्या करते थे, इससे पहले क्या करते थे जो वैज्ञानिक थे, जैसे आपका नाम बताए उनके, बेंटिंग, वेस्ट है आपके, मैकलॉर्ड है, ये वैज्ञानिक सबसे मेन तो ये दोनों थे। इन दोनों ने क्या करा, दोनों ने मिल करके और इनकी सहायता से जो कुत्ता होता है डॉग, कुत्ते के पेनक्रियास से, अग्नाशय से, कुत्ते के अग्नाशय से, और शुद्धिकरण करके, मतलब शुद्ध रूप, शुद्धिकरण या शुद्धिकृत द्वारा इंसुलिन को प्राप्त किया,
इंसुलिन को प्राप्त किया और जिनको डायबिटीज़ वगैरह थी उनको दिया और वो लोग क्या हो गए, ठीक हो गए, ठीक होते जा रहे हैं। लेकिन भाई बात यहाँ पर ये उठी कि ये कंपनी ने इसीलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि भाई कहाँ तक कुत्तों को मारते रहेंगे, भाई कुत्तों को मारेंगे उसके पेनक्रियाज से इंसुलिन निकालेंगे शुद्धिकरण करके। लेकिन इससे पहले भी क्या था, इससे पहले अगर बात करें तो इससे पहले जैसे सुअर, मवेशियाँ, मवेशी जो जानवर होते हैं मवेशियों के, उनसे भी पेनक्रियाज से क्या निकालते थे, पेनक्रियाज से हमने कहा। लेकिन वहां पर अंतर क्या था, आपको ध्यान रखना है, इसमें शुद्धिकृत था लेकिन इसमें शुद्धिकृत नहीं था, इसमें शुद्धिकृत पेनक्रियाज से निकाला, जैसे सुअर के पेनक्रियाज से अग्नाशय से इंसुलिन निकाला। अब हमने कहा इसमें शुद्धिकृत नहीं था, ये शुद्ध नहीं था, और अगर ये लगा देंगे तो ऐसे इंसान जिनको डायबिटीज था उनको ये दे देते थे इंसुलिन तो उनको क्या हो जाता था, एलर्जी हो जाती थी, एलर्जी हो जाती थी। तो ये तो कामगार नहीं था लेकिन क्योंकि एलर्जी हो रही, लेकिन यहां पर ये काम कर रहा था। अब यहां पर काम कर रहा था तो बात ये हुई कि भाई ये काम तो कर रहा है लेकिन हम यहां तक कैसे करके चलें, ऐसे तो भाई कुत्ते पकड़ेंगे मारते रहेंगे। तो इसीलिए ये कंपनी आई थी आपकी जो अमेरिकन जैव प्रौद्योगिकी की सहायता ली इसने, और इन्होंने क्या करा, ईली लिली ने ईकोली पर आपके उसके प्लाज्मिड को निकाला, और प्लाज्मिड को निकालने के अगर सन याद रखना चाहो तो रख लेना, ये थी 1983 में इन्होंने प्लाज्मिड को निकाला, निकालने के बाद उसको कट किया और कट करने के बाद ए पॉलीपेप्टाइड चैन को जोड़ दिया। अब इसके अंदर फिर से डाल दिया तो ए पॉलीपेप्टाइड बहुत सारी चैन मिल गई, ऐसी बी को कट करा, बी को लगाला, बी को लगाया, बी बन गई बहुत सारी, और बॉन्ड बना दिया, डाइसल्फाइड बॉन्ड बना दिया, और आपका क्या तैयार हो गया, इंसुलिन तैयार हो गया। अब कुत्तों को मारने की जरूरत नहीं थी इसमें, और इस प्रकार से आपका ह्यूमुलिन तैयार हो गया जो मानव कल्याण में हित में प्रयोग में लाया जाता है। और इसी के साथ ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है।